والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقولون ثلاثة رابعهم إلى آخر الآية. इस सूरह कहफ में एक बात है जो आज तक हम महसूस कर रहे हैं। आज तक आप देखे होंगे किसी भी बारगाह में मस्जिद जरूर होती है, किसी भी बारगाह में छोटी सही मस्जिद जरूर होती है। इसकी क्या वजह है? तो कौन दिनों से ये बात सुन भी रहा था, कभी समझ में आई कभी नहीं आई, लेकिन जिस दिन सूरह कहफ की तफसीर मैंने पढ़ लिया उस दिन ये बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या हुआ, ये लोग यहाँ सोए हाल में 309 साल अब जब लोगों को मालूम हुआ कि ये बहुत लंबा अरसा सोए हैं और ये बादशाह ने वक्त की तख्त उलट गए हैं, फलां फलां जो भी तब्दीलियां हुई थी ये सब चीजें जब हुई इनका इंतकाल हो गया, ये असहाबे कहफ का इंतकाल हो गया। लोगों ने क्या किया, अब लोगों में वो हो गई कि भाई अब क्या किया जाए इनके साथ, इनका यादगार कुछ तो होना चाहिए कि ये लोग थे दुनिया में इस तरीके से। मुख्तलिफ बातें हुई, किसी ने कहा कोई यादगार गुंबद बना दिया जाए, कोई कुछ कहा, लोगों ने क्या कहा मालूम, लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, हम इनके खुरबो जवार में इनके आसपास एक मस्जिद बनाएंगे जिसको मस्जिद अस्हाबे कहते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं उन्हीं के नाम से मस्जिद भी मौसूब की जाती है। तो इसका जिक्र हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ये रिवायत है लोगों में कि नेकों के पास, सालिहीन के पास जब लोग जाएं तो उनको रूहानी बातिनी फैज भी हासिल हो, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अवकात भी अगर जिम्मत में आ जाए तो वो इससे सुस्ती और काहिली ना करें। उस दौर से मस्जिदें बारगाहों पर बनने की यादगार है। अब उसके बाद कल हमने एक बात बताई थी आपको कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, इसको दो तरीके से पढ़ा गया है, खिजर खजिर, दोनों भी माना एक ही, लेकिन उनसे आप में खिजर से मिश्रित है। ये ना नबी है ना रसूल है, हजरत खिजर ना नबी है ना रसूल है, बल्कि ये अल्लाह के वली हैं और भूले भटके लोगों को जंगलात में हो या कहीं भी हो जो रास्ता भटक जाते हैं उनको सही रास्ता दिखाने पर मामूर हैं। सुभान अल्लाह। आप दुआ करिए अल्लाह ताला से कि इलाही मैं रास्ता भटक गया हूँ, अब मैं मंजिल तक कैसे पहुंचूं। तो हजरत खिजर किसी इंसानी शक्ल सूरत में आकर आपको रास्ता दिखा देते हैं। तो ये है हजरत खिजर। हुआ क्या, एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में कुछ नसीहत कर रहे थे, उतने में उठकर किसी ने पूछा कि इस वक्त सबसे ज्यादा कौन जानता है। तो हजरत मूसा ने यह समझा कि कौम में सबसे ज्यादा कौन जानता होगा, तो जाहिर है कौम में सबसे ज्यादा कौन जानता है, नबी जानता। और हजरत मूसा नबी थे, कहा मैं जानता हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया कि मेरा एक बंदा है जिससे जाकर तुम मिलो, वो तुमसे ज्यादा जानता है। इल्म की निस्बत हमेशा मैं नहीं अल्लाह, इसीलिए आदमी को क्या कहते हैं वल्लाहु अअलमु बिस्सवाब, अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है, सही जानता है। सवाब अगर स्वाद से है तो बेहतर, सवाब अगर से है तो ये जजा सजा, अल्लाह अअलमु बिस्सवाब, अल्लाह दुरुस्त बात जो है वो बेहतर जानता है,
की रोशनी में हर मुफ्ती दुनिया का पूरा फतवा लिख देने के बाद आखिर में यही लिखता है कि वल्लाह आलमु बिस्सवाब। ज्यादा बेहतर अल्लाह जानता है। दलाइल की रोशनी में हमने जो है ये जवाब दे दिया। तो पहले हाल अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मती के साथ जो उनका रिश्तेदार भी था उसको लेके निकले और अल्लाह ताला निशानी बना दी, बता दिए थे कि दो समंदर जहां मिलते हैं मेरा बंदा आपको वहां मिलेगा। अब ये क्या किए, पूरी तैयारी के साथ खादिम को लेकर निकले 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 और साथ में तोशा भी लेके गए थे, रास्ते में कहीं भूख वगैरह लगी। तो अब हुआ ये, एक जगह थक गए तो तोशादार एक जगह रख दिया और कहा, निशानी ये बताई गई थी कि जो मछली साथ में लेके गए थे पकाकर भूत वगैरह भूत के, ये जिंदा हो जाएगी और जिंदा होकर सीधा समुद्र में चले जाए, तो वही जगह मेरे बंदे से मुलाकात किया, ये निशानी थी। तो ये रखकर ले गए थे, एक जगह रखे और हजरत मूसा आराम करने लगे और खादिम ने ये सब चीजें देखा, टिफिन में से मछली फड़फड़ाई और जिंदा हो गई और सीधे समंदर में छलांग लगाई, ये सब देखा। हजरत आराम कर रहे ना, उठने के बाद बोलूंगा क्यों नींद में से बेदार कर, होगी बात और शैतान का बोलने देना। उठे उठ के चलो भाई चलो अभी रास्ता लंबा है, दोनों निकले 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 यहाँ तक के जो है सो क्या हो गया, भूख लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को के साथी को भूख लगी, बोले अपने उस नौजवान साथी से कि आलि फताह आतिना अदाना, लाओ भी हमारा खाना लाओ दोपहर का, लकद लकीना मिन सफरिना हादा नसबा, अब बहुत ज्यादा थक गए हैं इस सफर से। अरे जैसे ही हजरत ने खाना पूछा, इसने कहा कि आई तई नवीना इन सखरा, आपको याद है जिस वक्त वो पहाड़ के पास हम सोए थे ना, आपका क्या ख्याल है कि अवैना इला सखरा, जब वो चोटी के पास जो पहाड़ के पास हम सोए हुए थे, वही नसीबिन भूता, मैं मछली को भूल गया, वही वो फड़फड़ाई और समंदर में चले गई, वमा इंसानी हु इला शैतान, शैतान ने मुझे आपको याद दिलाने से भुलाया है। अनत कुरान वत्तखद सबीलहु फिल बहरि अजबा, और जो मछली थी समंदर में जो गई तो जिस जगह से उसने ऐसा लगाई तो वो पानी वहीं का वहीं रुक गया, बिल्कुल कांच की तरह वो पूरा का पूरा ढेर वंडा कर चला गया। वत्तखद फिल बहरि, रास्ता बना दी थी उसने समंदर में, अजबा इंतहाई ताज्जुब थे। अब क्या है, फिर पलट के जाना है, इतनी दूर आगे थे ना, और वो मछली जान जिंदा हुई वहां जाना, तो जान बना लिए थे शुरू से, गए जाके देखा फवजदा अब्दन, हमारे बंदे को वहां पा ली, हजरत खिजर मिले, आतेना रहमा, वो बंदा ऐसा था कि हमने उसको रहमत अता किया था, उसके बाद मिन इंदिना हमारी तरफ से, वो अल्लमना हु मिन लदुन्ना इल्मा, और हमने उनको इल्मे लदुन्नी अता किया था। एक है इल्मे जाहिरी जो किताबों से आपको और हमको आता है, एक होता है इल्मे लदुन्नी, ये महज अल्लाह तबारक तआला जिस बंदे को देता है उसको अता करता है, सुभान अल्लाह। वो तो इल्मे लदुन्नी वाला आदमी है, लदुन्नी लदुन के माने पास, लदुन हु उसके पास से, लदुन्नी मेरे पास से, तो अल्लाह के पास से उनको मिन लदुन्ना हमारे पास से हमने उनको इल्म अता किया। सलाम अलैकुम भी तारुफ हुआ दोनों का एक दूसरे का। एक बात याद रखे, मूसा नबी हैं, जिनके पास गए हैं वो वली हैं, मर्तबे में ये छोटे हैं, दर्जे में वो बड़े हैं, ये भी याद रखिए। قال له موسى موسى عليه السلام نے کہا هل تتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا, کیا میں ان چیزوں میں آپ کی پیروی کروں جس کو آپ جانتے ہیں؟ اور یہ حضرت خضر بولے انك لن تستطيع معي الصبر, میرے ساتھ رہ کے تم صبر نہیں کر سکتے, کیونکہ تمہارا جو علم ہے وہ یقینی وحی الہی پختہ, میرا جو علم ہے الہامی, اس میں خطا کا امکان رہتا ہے,
इन गलत तस्करतिया मैं ये सुन रहा मेरे साथ है कि तुम सबक नहीं कर सकते। फिर बोले वो कई सब तस्वीर आगा मालूम तो मैं तीन खूब रहा हूं जिन चीजों के बारे में आपको मालूम भी नहीं है कैसे सबर करेंगे आप मेरे साथ। मूसा बोले सतजी दूनी इंशाअल्लाह साबिरा अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सबर करने वाला पाएंगे। बड़ी दूर से आया आप इनकार मत करिए वाला आपसी का हमला एक भी आपकी काम में नाफरमानी नहीं करूंगी। हजरत खिदर ने कहा ठीक है जब इतना बोलना तो मेरी भी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि अगर आप मेरी पैरवी करना ही चाहते हैं मैं जो काम करूं उसके बारे में पूछना नहीं। फला तसअलनी अन शय किसी चीज के बारे में मुझसे तुम पूछना नहीं। ये भी क्यों करे ये क्या मतलब ये नहीं पूछना कुछ नहीं पूछना नहीं। हत्ता उठती सा लगा मैं इनको सीख रहा हूं यहां तक कि मैं खुद तुमको बयान करता हूं ये काम मैंने क्यों किया वो काम मैंने क्यों किया वो काम मैंने क्यों किया। अब यहां से कंटिन्यू सब 16वें पारे के एक रुकन तक मुकम्मल दोनों की मुलाकात का दोनों के कामों का जिक्र है। इसीलिए हम जो ऐसे क्या किए थे 15वां पारा जब पढ़े थे यही रुके थे क्योंकि अभी शुरू करें तो अधूरा हो जाता पारा खत्म हो रहा लेकिन बात अधूरी। आप खुद देखेंगे देखिए पारा खत्म होने के बाद बात कितनी मुश्किल की हो रही है। दोनों चले चलते ही जो है सो एक दरिया में बैठ कश्ती में बैठ गए हत्ता रखी बाकी सफीना कश्ती में बैठ के कश्ती के नीचे हाथ डाल के हजरत खिजर वो दो कुछ लगे हुए थे उसको तोड़ दिए। वो कश्ती प्राण आया भाग गया। जब पैसे देने की बात आई सवारी की तो उसने कहा कि भाई एक चेहरे मालूम हो रहे हैं हजरता मालूम हो रहे हैं साहिबा मालूम हो रहे हैं काम पैसे लोग बस दुआ करिए पैसे भी नहीं दिया। हजरत मूसा सोचते रहे ये पैसा बंदा है इन्हें हमको कश्ती में बिठाया और सवारी के पैसे भी नहीं लेकिन इसकी कश्ती को आयता कर दी और अच्छी खासी खूबसूरत कश्ती थी वो तोड़ के मोड़ के आयता कर इनसे रहा नहीं गया। मूसा अलैहि सलाम पहले गुस्से वाले मालूम ना फरिश्ता आया था वो निकालने का उसे मार दिए जम के गए तू तो आपको लेने हाँ कैसा रहा है अभी 40 साल बच के हुए थे उम्मत भी कैसी आखिरी हजरत मूसा की उम्मत कुछ भी बोलो खिलाफ अरे आप वो फुला कर रहे मैंने नहीं होता कर लो। अब यहां हजरत मूसा सोचते रहे कैसा बंदा है ये एक फ्री में हमको बिठाया फ्री में सफर तय करवाया इसकी कश्ती को आयदान कर दिए ये तो बहुत गलत बात है बोलते गुस्से में आए आके बोले आला अखरखता लितुग्रिका अहला नीचे से तू कश्ती को आयतदार करके कश्ती वालों को तुम डुबा देना चाह रहे पानी में लकब जी दशे अतिमरा और बहुत काम कर दिए। हजरत मूसा और हजरत खिजर बोले अलम अकुल लक इन्नक लन तस्तती मई सबरा क्या मैं तुमको नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सबर नहीं कर सकते। देखिए ऊपर दो जगह قال انك لن تستطيع معي صبرا यहां पर है قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا लगा कहीं भी नहीं है। देखिए आपको बोल के नहीं बोल रहे सबर नहीं कर सकते तुम मेरे साथ रहे अरे वो बात याद रखो अल्लाह को आखिर में भी माना सी भूल गया नहीं गया पहली बार माफ कर देना भी माना सी बोला तो हिंदू नहीं बिना मेरे उसका मेरे मामले को और मुश्किल में मत डालो भूल गया उन्हें भी अच्छा चले थोड़ा खुद तलाफा थोड़ा चले थे कि एक गुलाम ने बच्चा मिला नया खूबसूरत हसीब जमील बच्चा था। हजरत खिदर खरीद गए जाके उसकी गर्दन घट दबा दी अब वो सांस लेते लेते रुकी सांस बच्चा मर गया। अब हजरत मूसा की शरीयत में जान के बदले में जान देखिए अब कितने सख्त अहकाम यहाँ है वहां देखो कैसा है हजरत मूसा का हुस्न उरूज पर आ गया। अब अतः तरफ जकीयत बिगैर नफ्स इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा इसने किसका कत्ल किया था जिसके बदले में तुमने इनको कत्ल कर दिया लकद जिद्द शैअन नुकरा तुम इंतहाई नापसंदीदा काम किए हैं। अल्लाह अगर ऐसा बोल दिए तो रुकू हो जाता है और बात देखो किसी डिस्कंटिन्यू आपने इंतहाई नापसंद काम किया है।
की रियायत है, मानी मफहूम। हजरत मूसा को कहा, हजरत हसन को, इंतहाई बुरा काम किया है तुमने। अब हम रुकू कर रहे हैं वहां पे, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, इन्हें नापसंदीदा काम करे, अल्लाह बहुत बड़ा। देखिए कैसा डिस्कर्टी, अरे दो चार आए पहले रुके तो क्या होने वाला है, क्या किया बता दें, दूसरे दिन मिला के पड़ेगा। तो इंतहाई नापसंद काम किया, गुस्से में आ गए हजरत खिजर, क्या मैं आपसे नहीं कहा था, अल्लाह की गुफ्तगू देखी, क्या मैं आपसे ये बात नहीं कहा था, इन्नका लन तस्ततीया मअय्या सबरा, कि तू मेरे साथ सबर नहीं कर सकते। हजरत मूसा बोले, इन सअलतुका अन शैइन बादहा फला तुसअलनी, लास्ट चांस दीजिए, इसके बाद अगर किसी तुम्हारे काम को पूछूंगा तो बस साथ ही छोड़ दीजिएगा, या मैं भी आपका साथ छोड़ूंगा। तबलगता मिन अल मिल्लतुनी उज़्रा, बहुत गुजर हो गए तुम्हारे, पहली बार होगा, दूसरी बार, आखिरी तीसरी बार। दोनों जाए किरा आ जाया अहला क़रियतिन, एक गांव के पास आए, गांव वालों को बोले, हम लोग मुसाफिर हैं, हमको जरा हमारी ज़ियाफ़त करो, खाना खिलाओ, पानी खिलाओ। भाई युकय्यिफुहुमा, हम लोग बोले, हम तुमको नहीं पहचानते, नहीं खिलाते। अब थोड़ी दूर गए थे कि एक दीवार थी जो बिल्कुल गिरने के करीब थी, दीवार बिल्कुल गिरने के करीब थी। हजरत मूसा खिजर दोनों मिलके मिट्टी, गारा, चूना, पत्थर, ईंट, जो भी उस जमाने में अवेलेबल था वो सब लाए, मिलाए, करे दीवार को मजबूत करके खड़ा। हजरत मूसा खान भी बैठना है, ठीक है खाना खिलाओ, बोले तो नहीं खिला ये लोग, कम से कम दीवार की मजदूरी तो ले लो, उससे तो खाली थे कुछ नहीं। आप जाए तो इसका मेहनता ना ले सकते हैं, कौन से बोलकर, क्योंकि गांव वालों की तो दीवार है ना। हजरत मूसा वाले, हादा फिराक बैनी व बैनी, अब यहाँ से तुम्हारी और मेरी जुदाई का वक्त आ गया है, लेकिन एक बात सुनबिउका बितअवीली मा लम तस्ततिअ अलैहि सबरा, जिन चीजों का बारे में आप बहुत बेसब्री का मुजाहरा कर रहे थे कि वो बच्चे को मार, पहले तो कश्ती को आयदा कर और उसके बाद बच्चे को मार दिए, उसके बाद दीवार खड़ा कर, ये चीजें ऐसी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, आइए होगी ना यहाँ तक बात। अब देखिए हजरत मूसा गए हैं वली के पास, तो इस कुरान से साबित हो रहा है औलिया के पास जाना चाहिए, और कुरान से साबित है। अब जो आंखें रखकर भी अंधा है भला उसको क्या समझा सकते हैं कुरान में, वरना क्या जरूरत थी हजरत मूसा को हजरत खिजर के पास भेजने की, क्या मूसा का इल्म कम हजरत खिजर के पास क्यों? दुनिया को यह बताया जाए मूसा एक ना एक दिन नबूवत का दौर खत्म हो जाएगा, विलायत कयामत तक रहेगी, विलायत इसकी कोई इंतहा नहीं है, ये आखिरी नबी, गौसे आदम आखिरी नबी, मोइनुद्दीन चिश्ती अकबरी आखिरी, उफला आखिरी नहीं, कयामत तक अल्लाह ताला इस उम्मत में औलिया को पैदा करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। तो कुरान मजीद से साबित है। अच्छा तनखाने जाना, नौकर जाकर खादिम को भी लेके जाना, मूसा ने अपने साथ एक बंदे को भी अकेले नहीं जाना, अच्छा जाके भूखे प्यासे नहीं रहना, टिफिन भी लेके जाना, हजरत मूसा ले गए थे साथ में। ये देखिए कैसी प्यारी बात है, ये कुरान कह रहा है मैं नहीं कह रहा हूं, जाते तो दोनों खाली भी जा सकते थे ना, टिफिन क्यों लेंगे, मछली पका के क्यों लेंगे। तो ये सारी चीजें कुरान मजीद से साबित। अच्छा जब तलबा और असातिज़ा के लिए भी इसमें नुक्ता है कि उस्ताद शागिर्द के साथ इंतहाई नरमी का सुलूक करे, जैसा कि हजरत खिजर ने मूसा के साथ किया, और शागिर्द की एक दो तीन खताओं तक माफ कर देना चाहिए, जैसा कि हजरत मूसा की तीनों बातों पर हजरत खिजर ने सब्र किया, और जब देखा कि ये निभा नहीं हो सकता है, जुदाई से पहले जिन चीजों का वो बेचैनी से मुजाहरा कर रहे थे उसके बारे में बता देना चाहिए। तो
چنانچہ حضرت خضر نے موسیٰ سے کہا اما السفینۃ، ہمارا پہلا معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ بولیے، کشتی سے. فکانت دی مساکین، آپ کو معلوم ہے کہ کشتی کس کی؟ حضرت موسیٰ کو کون ہے؟ حضرت موسیٰ خاموش سن رہے ہیں. فکانت دی مساکین، دو غریب بچوں کی تھی. یا ملونا فی البحر، سمندر میں کام کر رہے تھے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر لوگوں کو چھوڑ رہے تھے. اب یہاں دیکھیے صاحب، فاردت ان اعیبھا، میں اس کو عائدہ کرنا چاہا. کیوں؟ وکان وراءہم ملک، کیونکہ کشتی کے اس پار، دریا کے اس پار ایک ظالم مجاور بادشاہ ہے، اور وہ ہر خوبصورت کشتی کو چھین لیتا ہے. تو میں نے اس کو عائدہ اس واسطے کیا تاکہ ان کی روٹی روزی چلتی رہے، بادشاہ ان سے نہ کھینچے نہ چھینے. سبحان اللہ. اچھا، وہ بچے کو مار دیے، اس نے کیا کیا؟ واہ مل غلام، واہ کیا ترتیب ہے صاحب، جس ترتیب سے واقعات پیش آئے اس کو بولتے قرآن پڑھنا. 30-30 قرآن ختم ہو رہے ہیں، 40-40 قرآن ختم. ایک رکوع پڑھو، سمجھ کے پڑھو ایک رکوع، پورے 10 قرآن میں غالب ہو جائے گا. سمجھیے کیا کہ دیکھیے، جو ترتیب سے واقعی پیش آئے اس کو عربی میں بلاغت کی زبان میں کیا کہتے ہیں معلوم؟ ترتیب لفظ و نشر. لفظ کے معنی موڑنا، نشر کے معنی پھیلانا. تو جیسا موڑے تھے ویسا پھیلانا. تو پہلے وہ کشتی کا واقعہ پیش آیا، اس کے بارے میں بولے. اب سنیے، وہ عمل غلام، اب رہا وہ بچہ. فکان، اب میں دیکھ رہا ہوں، فکان ابواہ مومن، اس کے ماں باپ مومن ہیں، اس کے ماں باپ مومن ہیں، اور اس بچے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کافر ہے. تو کہیں ماں باپ بچے کی محبت میں کافر نہ بن جائیں، اس لیے میں نے اس کو کیا کر دیا؟ مار دیا. فخشینا، ہم ڈر گئے. ان یرہقہما طغیانا وکفرا، کہ کہیں ان کے ماں باپ سرکشی اور حد سے آگے بڑھ کر بچے کی محبت میں آگے نہ بڑھ جائے. اب دیکھیے، فاردنا، ہم نے ارادہ کیا اور دعا کیا رب سے، ای یبدلہما ربہما خیرا منہ، اس بچے سے بہتر بچہ ہو گیا تھا. نعم البدل جس کو کہتے ہیں، زکات پاکیزگی کے اعتبار سے، دیکھو زکات کے معنی پاکیزگی، وہ اقرب الرحمن اور پیار محبت کے اعتبار سے بھی بہت اچھا. حضرت موسیٰ خاموش ہوئے. وعمل جتان، ابرا و دیوان، جس کے بارے میں آپ نے بولا تھا اس کی مزدوری تو لے لو کم سے کم گاؤں والوں سے. یہ دیوان کس کی تھی؟ فکانا لی غلامینی یتیمینی فی المدینہ، گاؤں ہی میں دو یتیم بچوں کی تھی. اس کے والد مرنے سے پہلے اس دیوار کے نیچے خزانہ، اپنی جمع پونجی روپیہ پیسہ رکھ کر اللہ کو گواہ بنایا تھا، الہی میرے بچے جب بڑے ہو جائیں یہ ان کے حوالے تو کرنا. کسی کو نہیں دیا، کیونکہ ماں ایسی چیز ہے، کب کس کی نیت بدل جاتی، کیا کچھ ہوگا، خیر اسے اللہ کو. اب وہ دیوار اگر گر گئی تو ماں والے پورا مال لوٹ لیں گے. اسی وقت موسیٰ اور خضر کو وہاں سے گزارا. کیا انتظامات، ایسے انتظامات کہ کتابوں کی دستگاہ میں رشحات قلب ایک کتاب ہے، مختصر کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک آدمی جنگ میں جا رہا تھا، بیوی حمل سے تھی، اور جانا بھی ضروری تھا جنگ میں کیونکہ مسلمانوں کی میجورٹی کا دعویٰ تھا. یہ نکل گیا، نکلتے نکلتے راستے ہی میں دعا کیا، الہی میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی حفاظت تیرے سے میں ہے. یہ کہا بچہ کہیں دیر ہو گیا ہے، دیکھا دیکھا یہاں پہ بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال. اب شوہر تو نہیں تھا، رشتے دار مل کر تدفین کر دی اس کا. جب یہ جنگ سے واپس آیا تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ تیری بیوی کا انتقال. کہا بتائیے اس کی خبر کہاں ہے؟ کہا بتایا گیا اس کی
की खबर यहाँ है। तो एक और के पास गया, गोरख ने कहा, गोरख जो खबरें खोलता है उसने कहा, नहीं मालूम इस कम से हमेशा आग निकलते रहे। मेरी बीवी तो गुना घर नहीं थी, बदकार नहीं था, ये कैसे मैं खोद के देखा, खोद के देखा उसका बच्चा उसकी माँ के पास बैठा हुआ है और ये बेसाख्ता बच्चे को लेने के लिए कमर में झुका तो आवाज आई, वो हम पर भरोसा करके बच्चा हमारे जिम्मे करने वाले, सुन अगर जाते हुए तो तेरी बीवी को भी हमारे जिम्मे करता तो ये दिन नहीं सुभान अल्लाह। तो रब के हवाले अगर अपने मामला को कर देंगे कभी अल्लाह नाकाम वो नामुराद नहीं कर दिया। وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ میں اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہ تعلیم دی۔ تو سنیے صاحب، یہ دو یتیم بچوں کا تھا، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد ان کا باپ پرہیزگار تھا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا، تو آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ اَن يَبْلُغَا یہ بچوں کو بڑے کرے، اَشَدَّهُمَا سختی کو پہنچے، وَاِسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا یہ خود باپ میں چل کر نکال لیں گے، رَحْمَتًا مِنْ رَبِّكَ، یہ جو ہم نے کیا ہے اللہ کی طرف سے۔ یہاں پر تین باتیں قابل غور ہے سب، اچھے کام کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا، برے کام کو اپنی طرف منسوخ کرنا۔ حضرت خضر نے یہ درس ہمیں دیا، کشتی کو آئندہ کرنا اچھا کام کیا برا کام، برا کام آئندہ کرنا برا کام ہے نا، تو حضرت خضر نے کیا کہا، فاردت میں نے ارادہ کیا، اور وہ بچے کے دوبارہ ایک لڑکا پیدا ہونے کی جو دعا کرنا تھا، فاردنا ہم نے ارادہ کیا رب سے کہ ان کو بھیج دے، اور یہ دیوار کو حفاظت سے رکھنا، فارادا ربک، حالانکہ تینوں کام حضرت خضر کر رہے ہیں لیکن ایک ایک کام کو کبھی اپنی طرف کبھی رب کی طرف کیسے منسوخ کر رہے ہیں۔ یہ درس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر برا کام ہے تو اپنی طرف سے اور نفس و شیطان کی طرف سے، اگر اچھا کام ہے تو اللہ کی طرف سے سمجھے۔ یہ نہ کہیں کافروں کی طرح کہ اگر انہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں میرے کیے گئے چیزوں کا یہ اثر ہے، اور کوئی مصیبت آتی ہے یہ مومنوں کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ یہ فتنہ آج بھی کسی نہ کسی حیثیت سے ہمارے گھروں میں آباد، ہمارے گھروں میں آج بھی یہ بات شان سے کہی جاتی ہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے اور یہ میری طرف سے ہوا ہے، میری عقل مندی اور میری ہوشیاری کی وجہ سے ایسا ہوا، اور یہ جب سے وہ آئے ہیں کیا کہنے، جب سے میں یہ انگوٹھی پہنا ہوں کیا کہنے سا، انتہائی غلط۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کے کرنے کی وجہ سے صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ والہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب